हेलो दोस्तों, राम राम, जय संतोषी माता, बम बम भोलेनाथ की जय। और ये उस मंगलवार का क्लिप है। तो मैं मंगलवार को अपने घर आ रही थी, तो यहाँ पे देखिए इतनी छोटी सी बिटिया है, वो पूजा कर रही है। और अब हम निकल रहे हैं, क्योंकि और ये फिर अचानक, ये मेरा छोटा भाई है, यानी कि दूसरे नंबर का है, ये राजेश है, गाड़ी चलाता है, बस ड्राइवर है। तो ये आया था अपनी गाड़ी लेने, क्योंकि इसने गाड़ी अपाची खरीदी है, तो इसलिए तो यहाँ पे आया था। और यहाँ पे हमें आवाज़ म्यूट करनी पड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी बाहर की, यानी कि तो साउंड चलता रहता है मंदिर में, इसी वजह से। और अब हम निकल चुके हैं घर के लिए। और हाँ, मेरी एक सिस्टर ने कहा था कि आप क्या अकेले जाती हो, तो सिस्टर हाँ अकेले भी चली जाती हूँ। तो मैं शुरू से अकेली ही आती हूँ, मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं रहता है जो वो मेरे साथ चले और जाएं, क्योंकि घर पे भी एक लोग का होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आ गए थे संकटा देवी माता मंदिर, और यहाँ पे हम लड्डू गोपाल के लिए कपड़े खरीद रहे हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल के इस सावन में मैंने कपड़े उन्हें पहनाया ही नहीं, और टाइम भी नहीं मिला तो मार्केट जाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते, पर कान के नहीं मिले थे, और सारी चीज़ें मिल गई थी, तो हम ले लिए हैं और निकल चुके हैं। और ये लखीमपुर का ये पुल है, मैं इसे क्रॉस करके बस अड्डा जाऊँगी। और मैं आ गई हूँ बस पे, बैठ गई हूँ, और बेबू है और हम है और कोई नहीं है, करण है, घर वहीं रुक गया, वो दो तीन दिन के बाद आएगा। और अब हम निकल चुके हैं और मिलते हैं आपको डायरेक्ट उसके दूसरे दिन का। और हम ये दूसरे दिन का क्लिप है, उस दिन मैं फिर आके ना थक गई बहुत ज़्यादा थी, और खाना बनाना पड़ा फिर बहुत ज़्यादा, फिर कोई वीडियो शूट करने का मन नहीं लगा। और ये सोमवार यानी कि बुधवार का है दिन, तो यहाँ पे हम बेगुना उसे लंगूर आया था ना, तो उसे आटा चावल दे रहे हैं। और फिर इसके बाद हस्बैंड अपनी ड्यूटी चले गए और बच्चे अपने स्कूल चले गए, और मैं यहाँ पे बस नहाया, पूजा किया, फिर इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा काम करने लगे। तो ये कहते हैं ना मेरे हस्बैंड तो काम नहीं, तो ये छोटे मोटे मैं ही काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं ये मैट लगा रही थी, क्योंकि फ्रेंड्स ये वाला मेरा काम निपट गया है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से लगाए हैं, चारों ओर लगा दिए हैं, ये देखिए। अब ये है पानी भीगेगा नहीं, ये देखिए इधर, अब ये है पानी कितना भी बरसेगा, क्योंकि ऊपर जाल है ना, और जाल पड़ा नहीं है, सिर्फ ऐसे ही है, तो पन्नी कितना भी डालो और फिर भी बारिश ना भीग जाती। फिर ये आए थे, बोले कि चलो ये तीज के लिए एक साड़ी ले लो चल के, तो वही मैं साड़ी लेने आई हूँ। और साड़ी लेकर और यहाँ पे सब्जी खरीदने आ गई थी, क्योंकि उसके दूसरे दिन तीज थी, तो तीज के लिए भी सब्जी खरीदनी थी। तो एक सिस्टर ने कहा था कि आप अपना मार्केट दिखाइए सब्जी जहाँ लेने आ जाती हैं, तो मैं यही सब्जी लेने आती हूँ। ज़्यादातर मैं ठेला पर ही लेती हूँ, और ज़मीन पे जो लगे होते हैं वहाँ से लेती हूँ, और दुकान पे पक्के दुकान पे नहीं लेती हूँ, क्योंकि ये भी बेचारे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और यहाँ पे ये उसके दूसरे दिन का है, तो यहाँ पे मैं तीज के लिए तैयार हो रही हूँ, और हमारा आलता लग रहा है। और हमारे हिंदू में आलता की बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, तो आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। फ्रेंड्स, जय संतोषी माता, आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तैयार हो गई हूँ, तो आज है तीज, तो मैं तीज की तैयारी कर रही हूँ और सारा काम निपटा लिया, बहुत टाइम हो गया है, बज गए हैं 10:30 बज गए हैं, और मैं पूजा करने जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा तीज वाले दिन काम हो जाता है। तो बस सिंपल सा ये ग्रीन वाली साड़ी डाली हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस ग्रीन चूड़ियाँ हैं, और बस ये डाल लिया है, पूजा कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, बहुत भारी है, बहुत वजन है, तो पूजा करने वक्त हम निकाल लेते हैं। तो कर लेते हैं पूजा जल्दी से फटाफट, फिर आपसे हम मिलते हैं। फ्रेंड, मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, और अपने लड्डू गोपाल को नए कपड़े पहनाए थे, वो हमने आपको नहीं दिखाया था, तो देख लीजिए नए, तो देख के लाए थे, और कान के रह गए हैं लाने के, मार्केट में नहीं जा पाई, क्योंकि उस दिन कपड़े पहनाते समय टूट गए थे कान के, तो ये मुकुट लाई थी, तो आपको कैसा लगता है। और ये अपने लड्डू गोपाल के लिए लाए थे हार, मुझे बहुत अच्छा लगा था, उस दिन हमने पहना दिया था हार और कपड़ा, पर ये कान के टूट के तो ना मुझे मार्केट नहीं जा मिला है, और मार्केट जिस दिन जाऊंगी ना, तो उस दिन मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए कान के लाऊंगी और कपड़े और भी लाऊंगी। और फ्रेंड्स, हम पूजा कर चुके हैं और अब हम आ गए हैं, खाना बनाने के भी 11 बज गए हैं, और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे हैं, तो हम बनाने जा रहे हैं पनीर की सब्ज़ी, मटर पनीर की सब्ज़ी और अरबी
सूखी आलू बनाएंगे, पूरी कचौड़ी यही बनाएंगे आज है दिया, तो दिया वाले दिन यही सब बचता है खाने में। और प्लीज़ जो भी वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि मेरा पहले वाले अभी दो वीडियो मेरे एवरेज इतने गिर गए थे, मुझे बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं दो तीन दिन से वीडियो नहीं डाल रही थी। सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, जल्दी फटाफट बनाया है, तो हमारी पनीर मटर की सब्जी तैयार हो चुकी है और अरवी की सब्जी तैयार हो चुकी है, सूखी अरवी। और अब हम पूरी निकाल रहे हैं, ये देखिए पूरी निकाल रहे हैं और कचौड़ी है, कचौड़ी निकाल लेंगे, पहले पूरी निकाल लेते हैं फिर कचौड़ी निकाल लेंगे, कचौड़ी निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना उसे पकने में। और ये मेरे बहुत दिनों के बाद बारिश हो रही है, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी, क्या उसमें पानी डाल दो जाके छुई में नहीं, उसमें नहीं आ पाएगा, वो उधर से नहीं आ पाएगा, देख सकते हैं बहुत अच्छे से बारिश हो रही है, देखिए बारिश बहुत दिनों के बाद बारिश हुई, कितना अच्छा लगा, मन हो रहा नहा ले, दिखाते हैं बैकअप। हेलो फ्रेंड्स, मैं खाना खा के फिर बारिश होने लगी, बहुत अच्छी लगी, फिर हम सो गए, अब उठे हैं और मैंने आइसक्रीम बनाई थी, तो बच्चों ने कहा आइसक्रीम खाएंगे तो आइसक्रीम खाते हैं, आ जाइए सभी लोग खा लीजिए आके, तो आ जाइए आइसक्रीम खा लीजिए। और आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और फुल वॉच कीजिए, मैं आपका हमेशा फुल वॉच करती हूँ, सभी का फुल वॉच करती हूँ, ऐसा नहीं है, और जो भी नया आता है तो प्लीज़ मुझे फ्रेंड बनाएं, तभी मैं आपको फ्रेंड बनाऊँगी, और वरना मैं जैसा आपने वीडियो देखा वैसा मैं भी आपकी वीडियो देख कर चली आऊँगी।